नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को वीडियो संदेश जारी किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट को लेकर कहा कि हमने सरकार बनते ही महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के संकल्प और न्याय की नीति को आकार देना शुरू कर दिया है। यह प्रदेशवासियों के भरोसे का परिणाम है कि देश में मंदी होने के बाद भी छत्तीसगढ़ के बाजारों में रौनक है। सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में छत्तीसगढ़ के भरोसे का बजट प्रस्तुत होगा। यह उस भरोसे का बजट है जिसने छत्तीसगढ़ को नवा छत्तीसगढ़ बनाने का संबल दिया है। यही भरोसा है कि घोषणा पत्र पर, हमारी कार्यशैली पर और हमारी सरकार की जन कल्याणकारी सोच पर भरोसा जताया है। मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल 6 मार्च को छत्तीसगढ़ सरकार का वर्ष 2023 का बजट पेश होने जा रहा है। साथियों, यह बजट छत्तीसगढ़ के भरोसे का बजट है। यह उस भरोसे का बजट है जिसने छत्तीसगढ़ को नवा छत्तीसगढ़ बनाने का संबल दिया। यह वही भरोसा है जो आपने हमारे घोषणा पत्र पर, हमारी कार्यशैली पर और हमारी सरकार की जन कल्याणकारी सोच पर जताया है। हमने सरकार बनते ही बापू के ग्राम स्वराज के संकल्प और न्याय की नीति को आकार देना शुरू कर दिया था। इस दौरान बीते वर्षों में आई चुनौतियों से आप सब परिचित हैं, चाहे वह कोरोना जैसी वैश्विक आपदा की चुनौती हो या अन्य चुनौतियां जिन्हें आप सब समझते हैं। लेकिन मुझे यह कहते हुए गर्व है कि इन सभी चुनौतियों को चीरते हुए हम बाहर निकले हैं और इस समय सबसे अच्छे आर्थिक प्रबंधन वाले प्रदेशों में से एक हैं। यह आपके भरोसे का परिणाम है कि देश भर में मंदी होने के बाद भी छत्तीसगढ़ के बाजारों में रौनक है। सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में है। देश भर में धान खरीदी के रिकॉर्ड भी छत्तीसगढ़ ने तोड़ा है। आदिवासियों के लिए नई योजना पहुंची है। साथ ही स्वास्थ्य शिक्षा का छत्तीसगढ़ मॉडल देश की सरकारें अपना रही है। आज मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ के नाम से लोगों को सिर्फ नक्सली हिंसा याद आती थी। जरा सोचिए, पर्यटकों के दिमाग में प्रश्न चिन्ह क्यों आते थे? आज समय बदला है। छत्तीसगढ़ में देश के लोग छत्तीसगढ़ आने को उत्सुक हैं। खबर रायपुर से है, जहां जनगणना को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पहले हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि जनगणना तत्काल कराई जाए ताकि जो हितग्राही हैं उन्हें चिन्हित किया जा सके और आने वाले 10 साल तक उन योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया है। साथ ही कहा कि मैंने विधानसभा में घोषणा की कि जिनको आवास की आवश्यकता है उनको हम सर्वे करेंगे और 1 अप्रैल से हमारा सर्वे शुरू होगा, 29 जून तक चलेगा, जिसमें न केवल आवास के बल्कि शौचालय बने हैं और उसका भी, और गैस सिलेंडर जिसको आवंटित हुआ है कितने बार वो दोबारा भराते हैं इसके बारे में भी जानकारी ली जाएगी। सबसे पहली बात यह है कि ये आंकड़े आए कहां से? छत्तीसगढ़ में 11 लाख से अधिक आवास के आवंटन हुए हैं, तो वो 2011 के जनगणना के आधार पर, जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था उसके आधार पर। 12 साल हो गया, आपने जनगणना कराया ही नहीं, आर्थिक सर्वेक्षण कराया ही नहीं। तो इन 12 सालों में जो हितग्राही हैं वो वंचित हो जाते हैं। हम लोग भी जाते हैं जनप्रतिनिधि के नाते, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जाते हैं तो बोलते हमको लाभ नहीं मिल रहा है, उसको लाभ मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो वर्ग वंचित हो गया है बड़ी संख्या में, और इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि जनगणना तत्काल कराई जाए ताकि जो हितग्राही हैं उसके चिन्हांकन किया जा सके और उसके आने वाले 10 साल तक के उन योजनाओं का लाभ मिल सके। वहीं रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। सीएम बघेल ने निशाना साधते हुए बीजेपी के प्रदेश संयोजक ने कहा कि प्रदेश के गरीब को पक्का मकान देने के लिए सर्वे करवाने की आवश्यकता नहीं है। 15 मार्च को जब हम विधानसभा का घेराव करेंगे तब आपको वे सूची सौंप देंगे। मुख्यमंत्री जी विधानसभा में 2 झूठ बोले। पहला ये कि वो 1 अप्रैल से 30 जून तक आवासीनों का सर्वे कराएंगे। उस सर्वे की क्या आवश्यकता है?
2011 की सर्वे सूची है जिसके आधार पर प्रधानमंत्री आवास मिलना है और हमारे प्रदेश के 7,81,999 लोगों को परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उस सूची के आधार पर दिया जाना है। वो सूची स्पष्ट है, सबके साथ है, सरकार के पास है। यह 15 मार्च को जब भारतीय जनता पार्टी हितग्राहियों के साथ अभी घेराव करने वाली है विधानसभा का, उस दिन उस सर्वे की सूची भी सरकार को सौंपी जाएगी। दूसरी बात आपसे ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब तक 8,44,000 आवास बने, जिस जो लगभग लक्ष्य का 71% है हमने प्राप्त कर लिया। यह भी सरासर झूठ है। इस 8,44,000 आवासों में से 7,54,000 आवास भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के स्वीकृत और निर्मित है। बूथ को मजबूत करने के लिए बीजेपी की ओर से रणनीति तैयार कर ली गई है, जिसके तहत बीजेपी का पूरा फोकस प्रत्येक बूथ को सशक्त बनाने में है, जिसके लिए बीजेपी ने बूथ सशक्तिकरण अभियान की कार्यशाला की भी शुरुआत की है। बता दें कि भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें जिले के सभी मंडलों के अध्यक्ष, महामंत्री समेत आईटी सेल, सोशल मीडिया और महिला प्रतिनिधि समेत पदाधिकारियों को शामिल किया गया। तो बूथ स्तर पर मजबूत करने की तैयारी में है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इस कार्यक्रम में तमाम गणमान्य मौजूद रहे। सोशल मीडिया, आईटी सेल और ब्लॉक लेवल के जितने भी पदाधिकारी हैं वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और एक रणनीति बनाई गई कि किस तरह से बूथ स्तर पर मजबूत किया जा सकता है। हमारे कार्यकर्ताओं का एक कार्यक्रम था, इसमें बूथों को सशक्त करने के लिए आगामी 17 तारीख से 27 तारीख तक आप सभी सशक्तिकरण बूथों में जाएंगे। इस बीच रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि शराब तस्करों पर पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि शराब तस्करी करते समय पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। होली के मद्देनजर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। साइबर यूनिट और संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 315 देसी अंग्रेजी शराब जब्त की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि होली के चलते पुलिस की तरफ से एक विशेष अभियान चलाया गया है और इसी के तहत पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जिनके पास से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब भी बरामद की है। तो ये तस्वीरें हैं उन आरोपियों की जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जिनके पास से भारी मात्रा में शराब भी बरामद की है। वहीं छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रायपुर में रविवार को आम आदमी पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया, जहां केजरीवाल ने कहा कि अगर सरकार बनी तो छत्तीसगढ़ में 24 घंटे मुफ्त बिजली देंगे। भगवंत मान ने अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का इशारा दिया। कुछ दिन पहले कांग्रेस की आम सभा हुई रायपुर में। यह पहला मौका था जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक साथ पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ में आने वाले चुनाव छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सन 2000 में छत्तीसगढ़ बना था, उसके बाद से 15 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, लगभग 7 साल कांग्रेस का शासन रहा। अगर दोनों को कंपेयर करें तो दोनों के शासन में कोई खास फर्क नहीं है। पार्टियों के नाम बदलते हैं, नेताओं के नाम बदलते हैं, मुख्यमंत्रियों के नाम बदलते हैं, लोगों की जिंदगी नहीं बदलती, व्यवस्था नहीं बदलती, व्यवस्था वैसी की वैसी रहती है। इनकी भी अडानी से दोस्ती है, उनकी भी अडानी से दोस्ती है। हंसदेव अरण्य की का मुद्दा पूरे देश में उठा, इन्होंने भी लूटा, उन्होंने भी लूटा।
वहीं आम आदमी पार्टी की सभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। हम शक्ति प्रदर्शन या झूठे वादे करने नहीं आए, हम आपको सच बताने आए हैं। अच्छे दिन आएंगे ये नहीं पता, लेकिन दिल्ली और पंजाब में सच्चे दिन आ गए हैं। अंग्रेजों ने 200 साल की इकट्ठी गुलामी दी, आज 5-5 साल की किश्त में गुलामी दी जा रही है। दोनों आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की उम्र 11 साल की है। दो राज्यों में सरकार बनी है, लेकिन 1885 में कांग्रेस पार्टी का हाल देख लीजिए, जो इस साल में गठित हुई थी। तो रायपुर में आम आदमी पार्टी की ओर से जनसभा का आयोजन किया गया और जहां पर बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा गया। बीजेपी और कांग्रेस मिलजुल कर काम कर रहे हैं, ऐसा सीएम केजरीवाल की तरफ से कहा गया है। रायपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे और आम आदमी पार्टी की तरफ से एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दोनों ही पार्टियों को अलग अलग समय दिया गया, लेकिन सिर्फ सरकारें बदली, मंत्रियों के नाम बदले, लेकिन जो आम आदमी है उसके लिए कुछ बदलाव नहीं हुआ है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रायपुर की, जहां पंजाब के सीएम भगवंत मान का एक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि पंजाब में 25 साल तक दो परिवार का राज रहा, जिन्होंने पंजाब को जमकर लूटा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2022 में 92 सीटें देकर लोगों ने आम आदमी पार्टी पर विश्वास दिखाया है। उन्होंने कहा कि जितनी समस्या छत्तीसगढ़ में है उतनी ही पंजाब में थी, लेकिन अब सब बदल रहा है। जैसा कि अरविंद केजरीवाल साहब ने बताया है, पंजाब ने बिल्कुल वैसा ही झेला है। सिंस 1997 25 साल तक दो व्यक्तियों का राज रहा, दो परिवारों का, बादा परिवार और कैप्टन, और दोनों ने पंजाब को जमके लूटा, माफिया पैदा किए, सैंड माफिया, लैंड माफिया, बस माफिया, जो भी चीज का नाम लोगे उसमें माफिया था। तो लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था, तो 2014 में हमें एंट्री मिली, चार सांसद हमारे आए, 2017 में लोगों ने हमें विपक्ष में मौका दिया, और 2022 में 117 में से 92 सीटें देकर ये साबित किया, लोगों ने विश्वास किया हम पर कि इन दोनों से हम ऊब चुके हैं, तंग आ चुके हैं। बीजेपी आरटीआई प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विजय शंकर मिश्र ने प्रेसवार्ता की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 4.25 साल में अंधो संरचना निर्माण और विकास का कोई कार्य नहीं किया है। बीजेपी शासनकाल में हुए विकास कार्यों का मेंटेनेंस भी नहीं किया गया है। साथ ही कहा कि लोक निर्माण विभाग सड़कों का मेंटेनेंस नहीं हुआ है, जिस वजह से राज्य की सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। जब सड़कों में बड़े बड़े गड्ढों की तस्वीर मीडिया तो सुर्खी बनी, तब राज्य सरकार ने सड़कों का पैच करना का निर्णय लिया है। साक्षात डाटा हमारे पास आया है, मैंने अभी आपको मीडिया भी आ जाएगी और सबको दस्तावेज देंगे। ऐसा ही सुंदर भ्रष्टाचार पहले भी होता रहा और उस पर बहुत कड़ी कार्रवाई होती रही। 2006 में महालेखा, महालेखा मतलब एजीआरडी होता है, 2006 में महालेखा ने एक भ्रष्टाचार पकड़ा और तात्कालिक मंत्री हुआ करते थे राजेश सुंदर जी, उन्होंने पत्र प्रेषित किया, उन्होंने आपको अभी कागज देंगे नोटशीट, ये नोटशीट है जिसमें तात्कालिक मंत्री जी द्वारा ये कहा गया कि इसको 5 वेतन वृद्धि रोक दी जाए स्थायी तौर से, दो होता है कि स्थायी, और इसको तत्काल एजुकेटिव इंजीनियर को डिमोट करके आदेश किया, राजेश सुंदर जी ने डिमोट कर दिया जाए। ये नोटशीट आरटीआई से प्राप्त हुई है। रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि सुकमा से है, जहां जिले के घोर नक्सलगढ़ डब्बा मरका से एक वीडियो सामने आया है। इसमें एक व्यक्ति बच्चों को पढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है।
बता दें कि पढ़ाने वाला व्यक्ति शिक्षक नहीं बल्कि एक पुलिस वाला है। निरीक्षक शैलेंद्र नाग बच्चों को पढ़ा रहे हैं। डब्बा मरका में नवीन कैंप स्थापित होने के बाद बच्चों को पढ़ाने का काम रोजाना करते हैं और नक्सली बच्चों के हाथों में बंदूकें थमाना चाहते थे और इस तरह की शिक्षा देकर पुलिस निरीक्षक काफी अच्छी पहल कर रहे हैं। हमारे 12 फरवरी को डब्बा मरका नामक कैंप लगाया गया है। ये स्टेट हाईवे 5 जो नक्सलियों का कोर क्षेत्र है, जो उनके द्वारा गढ़ कहा जाता है, वहाँ पे एक नया कैंप स्थापित हुआ है। इस कैंप में वहाँ पे टीआई भावेश ठंडे और वहाँ पे अन्य टीआई शैलेंद्र नाग, इन दोनों की प्रेरणा से वहाँ पे एक पुलिस की पाठशाला का निर्माण किया गया है, जो हमारे पुनः मरकों अभियान के तहत किया गया। इसके अंतर्गत हम लोगों ने एक छोटी सी पाठशाला बनाई है अपने रिसोर्सेज से और बच्चों को वहाँ पे हमारे टीआई लोग जो है जो कैंप में पदस्थापित है, ऑपरेशन के बाद जब खाली समय होता है तो उसमें वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं साथ में। वो इंदौर में फिर से सड़क हादसा हुआ है। इंदौर खंडवा मार्ग पर रविवार को यात्रियों से भरी एक बस बाइक गांव के पास पुलिया से नीचे गिर गई। इस हादसे में 38 लोगों के घायल होने की खबर है, जबकि हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई है। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक बस इंदौर से खंडवा जा रही थी। देखिए, जो सीरियसली घायल लोग थे वो तो लगभग सभी यहाँ आ चुके हैं और जो सीरियस घायल में हम 4 बच्चों को और 4 अन्य लोगों को, इस तरह से 8 लोग हो सकते हैं जो सीरियसली घायल हैं। इसके अलावा 2 लोग ब्रॉड डेड हैं और बाकी स्पॉट से तो सभी लोगों को रवाना कर दिया गया है। घायलों का इलाज अभी यहाँ एमआईटी जारी है और 2-3 और ऐसा लग रहा है कि आ रहे हैं, तो करीब 38 हो जाएंगे मुझे ऐसी संभावना लग रही है। इनमें से 2 ब्रॉड डेड हैं, 2 महिलाएं हैं। उसके अभी जो हमारे पास 35 आए उनमें से 7 की हालत गंभीर है। इलाज तत्काल प्रारंभ हो ही गया है सभी का और इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है। हमारे सारे डॉक्टर, सारे नर्सिंग स्टाफ, सारा क्लास फोर, सभी लोग इलाज में लगे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि हम अधिक से अधिकतम की जान बचा सके। अभी तो निश्चित तौर पर नहीं कह सकते, देर माइट बी ए मैकेनिकल फेल्योर, तो उसकी वजह से बस पुलिया के पास से टॉपल हुई है। लगभग 35 लोग अभी हॉस्पिटल में आए हैं, 2 लोगों की मृत्यु हुई है और कुछ डेंजर जोन में भी है और इलाज उनका जारी है। होपफुली कि हम अच्छी से अच्छी सुविधा देकर अधिक से अधिक लोगों को बचा पाएंगे। हमारे जो हॉस्पिटल एमवाई के सुपरिटेंडेंट और सारा स्टाफ पूरे इमरजेंसी केयर में यहाँ पर है और हम उनको बेहतर से बेहतर इलाज दे पाएंगे। बिहार से मेरी तो मेरे बेटा बेटी थे, उनके पापा थे, उनका नाना थे। घटना हुई है, कहाँ जा रहे थे? ये गाँव जा रहे थे, इंदौर से गाँव जा रहे थे। इंदौर में संस्था मातृभूमि के द्वारा विगत 35 वर्षों से होली पर्व पर रंगारंग राधा कृष्ण फाग यात्रा समेत बाना फाग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। संस्था द्वारा इस वर्ष भी रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की झांकी के माध्यम से होली को दर्शाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा मार्ग शहर वासियों पर गुलाल उड़ाते हुए नजर आएंगे। इस दौरान संस्था मातृभूमि के संयोजक जयदीप जैन ने बताया कि शहर में होली पर्व को उत्साह के साथ मनाने के उद्देश्य को लेकर राधा कृष्ण के बने आयोजन का किया जा रहा है और इस वर्ष भी बाने मुंबई के जूनियर अमिताभ बच्चन, केरल के राधा कृष्ण और कृष्ण भगवान का डोल सम्मिलित किया जाएगा। संस्था मातृभूमि द्वारा 35 वर्षों से रंगारंग बाना निकाला जा रहा है, यह 36वां वर्ष है। होली का त्यौहार भारतीय संस्कृति का एक बड़ा त्यौहार है और पूरा हिंदू समाज और संपूर्ण भारत में यह त्यौहार बनाया जाता है। मल्लागंज क्षेत्र जहाँ पर यह संस्था मातृभूमि द्वारा आयोजन किया जा रहा है, इसका उद्देश्य है कि संपूर्ण इंदौर शहर में होलिका का त्यौहार उत्साहपूर्वक बने। होलिका का त्यौहार एक दुश्मनी खत्म करने का और हंसी ठिठोली का त्यौहार है और राधा कृष्ण की संस्कृति का त्यौहार है, जो होली खेलती हुई उनकी संस्कृति थी। तो हम इस पर पूरे देश भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाएगा। वहीं इंदौर के आर के हॉस्पिटल में भी महिला दिवस को लेकर आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं के लिए हॉस्पिटल में फ्री
चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में महिला थाना टीआई ज्योति शर्मा समेत आर एसएस महिला विंग प्रदेशाध्यक्ष शामिल हुई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया। तो महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, आरके अस्पताल की तरफ से यह आयोजन किया गया था। बता दें कि महिला दिवस के मौके पर ही आयोजन किया जा रहा है। का मौका मिला, आप सभी से मिलने का मौका मिला, और चूंकि 8 मार्च को हम लोग मनाते हैं वुमेन्स डे, महिला दिवस, मतलब ऐसे सब मनाते हैं, बाकी तो मुझे लगता है कि हर दिन हमारा है, कोई एक दिन में हमें बांध के ना रख हुआ है ना। लेकिन अब एक डेट, जैसे हम त्योहार की हमारी एक डेट होती है, ऐसे ही हमारी महिला दिवस की भी एक डेट डिसाइड है। अब चूंकि उस दिन होली है, इसीलिए हर एक जगह कोई 5 मार्च को मतलब मना रहा है, कोई 6 मार्च को, कोई 7 मार्च को, इस तरह से हम अपने दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। 365 में से 364 दिन हमारे और एक दिन पूरा हमारा। अभी आप लोग यहाँ पर हैं, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की कोई एडवर्स कंडीशन में अगर हाँ आप हो, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में अगर आप हो, आप 100 डायल कर सकते हो। स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, यह जो मंत्र है, यह मंत्र भी शायद उसी का परिलक्षण हमको करता है कि सर्वे संतु निरामय, मतलब हमारी संस्कृति ही हमको ये सिखाती है कि कोई भी कष्ट में ना हो, सभी सुखी हो, सभी निरामय हो, किसी को कोई भी दुख ना। इसी को देखते हुए शायद हमारे मन में ये सतत कल्पनाएं चलती रहती हैं कि हमने हर एक किसी का ध्यान रखना है, और हम सब महिलाएं हैं। आज का शिविर ये। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।